तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रेसलमेनिया 35 के पूरे पेपर व्यू की प्रेडिक्शंस। काफी सारे मैचेस हैं इस कार्ड पे, तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरे ओपिनियंस की मेरे हिसाब से कौन जीतेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और इससे पहले कि हम रेसल मेनिया के पेपर व्यू की करें प्रिडिक्शंस, मैं बोलूंगा कि आप लोग जितने भी मैचेस मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं उनके प्रिडिक्शंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच जो मेन इवेंट होगा इस बार रेसल मेनिया में, और यहां पे स्टिप्यूलेशन है कि विनर टेक्स ऑल, यानी कि जो जीता उसके पास दोनों टाइटल्स आ जाएंगे। अब यहां पे रोंडा राउजी अपना टाइटल डिफेंड वैसे तो कर रही है और शार्लेट फ्लेयर अपना भी टाइटल डिफेंड कर रही है, लेकिन बेकी लिंच एक ऐसी सुपरस्टार है जिनके पास कोई चैंपियनशिप नहीं है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेवरेट है। जो हमने स्टोरी लाइन देखी है अभी तक, वही मेरे हिसाब से यहाँ पे जीतने वाली है। तो जो विनर होगा इस मैच का वो मेरे हिसाब से बेकी लिंच होंगी, और रेसलमेनिया में एक बार हिस्ट्री बनेगी जहां पे पहले वुमेन्स मेन इवेंट में बेकी लिंच जीत जाएंगी दोनों ही रॉ और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की टाइटल्स। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप की, ब्रॉक लेसनर जहां पे अपना टाइटल डिफेंड करेंगे सेथ रॉलिंस के साथ। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि सेथ रॉलिंस जीते गाइस टाइटल को और फाइनली स्ले कर दे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को, लेकिन इसके होने के जो चांसेस हैं वो 50-50 रहेंगे क्योंकि ब्रॉक लेसनर की जो कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन है, हमें कुछ ऐसे रूमर्स सुनने में आ रहे हैं कि एक बार फिर से शायद वो रीसाइन कर लेंगे और रेसलमेनिया में रिटेन कर लेंगे। तो मैं यहां पे अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो मैं सेथ रॉलिंस के साथ यहां पे जाऊंगा और मेरे हिसाब से वो बन जाएंगे नए चैंपियन, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर रिटेन करते हैं तो आप ये हमेशा सोचें कि ये होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच की, तो डैनियल ब्रायन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अंडरडॉग कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट। अब पूरी स्टोरी लाइन में इनको बी प्लस प्लेयर बोला गया है गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली मोमेंट आ गई है कि अनलेस कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट कोई हील टर्न कर ले, उनको ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि न्यू डे को WWE यहां पे ब्रेकअप कर सकती है। मैं यहां पे कोफी किंगस्टन के साथ जाऊंगा और मेरे हिसाब से जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से वो डिजर्व करते हैं टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। उसके बाद आता है गाइस WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जहां पे बॉबी लैशली हैं चैंपियन और वो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द डीमन बैलर गिमिक। तो यहां पे मेरे हिसाब से फिन बैलर को जीत जाना चाहिए टाइटल और एक बार फिर से बॉबी लैशली हरा देना चाहिए, और यहां पे WWE इस फ्यूड को खत्म कर सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे हिसाब से फिन बैलर और कोई बढ़िया फ्यूड डिजर्व करते हैं और एक लंबा रन डिजर्व करते हैं टाइटल के साथ, तो यहां पे मेरे हिसाब से फिन बैलर जीतेंगे और बन जाएंगे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। उसके बाद विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें तो एक फेटल फोर वे मैच हमें देखने को मिलेगा जहां पे साशा बैंक्स और बेली अपने टाइटल्स डिफेंड करेंगी द आइकॉनिक्स के अगेंस्ट, नाया जैक्स और टमीना की टीम के अगेंस्ट, और फाइनली नटालिया और बेथ फीनिक्स के अगेंस्ट। अब यहां पे मेरे हिसाब से मैच जो है वो काफी अच्छा होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है मेरे हिसाब से साशा और बेली अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेंगी क्योंकि वो पहली विमेन्स टैग टीम चैंपियंस हैं और मेरे हिसाब से उनका एक लंबा रन यहां पे होना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा WWE के लिए, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग चैंपियंस की तरह बुक करना चाहिए जिससे पहले कि वो अपने टाइटल्स को हारे। अगला मैच आता है एक और फेटल फोर वे मैच जो कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां पे उसोस अपने टाइटल डिफेंड करेंगे रिकोशे और एलिस्टर ब्लैक की टीम के अगेंस्ट, रूसेव और शिंसुके नाकामुरा की टीम के अगेंस्ट और फाइनली द बार के अगेंस्ट। अब यहां पे एलिस्टर ब्लैक और रिकोशे के मुझे लगता है काफी ज्यादा चांसेस हैं जीतने के, जिस तरीके से उनको बुक करा जा रहा है रॉ और स्मैकडाउन पे, उनका मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चांस है कि उस मैच को जीते। तो मेरी प्रेडिक्शन है कि यहां पे एलिस्टर ब्लैक और रिकोशे टाइटल्स जीत जाएंगे और उसोस को और बाकी टीमों को इस मैच में हरा देंगे। इसके बाद आता है नो होल्ड्स बार्ड मैच जहां पे ट्रिपल एच अगेंस्ट बटिस्टा में देखने को मिलेगा, और अगर ट्रिपल एच ये मैच हार जाते हैं गाइस तो उनको रिटायर होना पड़ेगा इन रिंग कॉम्पिटिशन से। अब यहां पे मुझे लगता है कि ट्रिपल एच ये मैच जीतने वाले हैं गाइस, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्शियल एंडिंग हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से तो ये मैच एंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो सकता है हमें एवोल्यूशन के किसी मेंबर की यहां पे इंटरफेरेंस देखने को मिले या फिर डी जनरेशन एक्स की देखने को मिले, काफी ज्यादा मुझे लगता है यहां पे इंटरफेरेंस होगी और तभी इसमें नो होल्ड्स बार्ड की स्टिपुलेशन भी लगाई गई है। तो ये मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काफी बढ़िया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिपल एच इस मैच को जीत जाएंगे। फाइनली आता है गाइस कर्ट एंगल और बैरन कॉर्बिन का मैच जो कि एक रिटायरमेंट मैच है कर्ट एंगल का, तो इसमें कोई स्टिपुलेशन तो नहीं है, लेकिन अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि WWE इस मैच को चेंज करे, लेकिन मुझे लगता है जो भी इस मैच को कर्ट एंगल के अगेंस्ट लड़ेगा कर्ट एंगल को ये मैच जीतना चाहिए और जो फाइनल मैच है उनका WWE में उनको एक हैप्पी सेंड ऑफ WWE को देना चाहिए। उसके बाद फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच आता है मिज और शेन मैकमैन के बीच में। अब यहां पे प्रेडिक्शन करनी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे हिसाब से किसी के भी तरफ ये जा सकता है मामला, लेकिन मुझे लगता है द मिज को यहां पे जितवाना काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जो फ्यूड हमें देखने को मिली उसमें मिज ने काफी स्ट्रगल करा है शेन के अगेंस्ट, और अगर वो जीतते हैं तो वो अपना रिवेंज लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद रैंडी ऑर्टन
ऑर्टन एज स्टाइल्स का मैच आता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं इस मैच को, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा पुश जो है उनके लिए वेट कर रहा है रेसलमेनिया के बाद। अगर हम रूमर्स की बात को माने तो रैंडी ऑर्टन मेरे हिसाब से यहाँ पे एज स्टाइल्स को हरा देंगे रेसलमेनिया में। उसके बाद रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का मैच, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को जीतना चाहिए, लेकिन WWE की बुकिंग का जो पर्सपेक्टिव है मेरे हिसाब से रोमन रेंस अपनी फिफ्थ कंसेक्यूटिव रेसलमेनिया में जो है ये मैच को जीतेंगे, और जहां तक मेरा आइडिया है रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर को डिफीट कर देंगे। उसके बाद किक ऑफ के 3 मैचेस आते हैं जिसके बारे में फटाफट बात करेंगे। आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल, जो मुझे लगता है 2 नाम जो यहाँ पे जीत सकते हैं वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन या फिर वन ऑफ द हार्डी बॉयज, मुझे लगता है कि इसको जीत सकते हैं। उसके बाद वुमेन्स बैटल रॉयल की बात करें तो यहाँ पे आस्का और मैंडी रोज होंगे 2 ऐसे सुपरस्टार जिनको मैं पिक करूंगा। और फाइनली क्रूजरवेट चैंपियनशिप, बड़ी मर्फी अगेंस्ट टोनी नीस, काफी लंबे समय से बड़ी मर्फी चैंपियन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे फाइनली उनकी स्ट्रीक टूट जाए और टोनी नीस जीत जाए क्रूजरवेट चैंपियनशिप टाइटल। तो गाइस ये थी सारी प्रेडिक्शंस रेसल में 35 के मैचेस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और बहुत सी रेसल मीनिया की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।